सारी दुनिया को रोग मुक्त होना है, सबको मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब। और मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई भी एक मेडिसिन नहीं है जो बीपी क्योर कर दे। मैंने हजारों लाखों लोगों का बीपी क्योर किया, पूरे साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास में। बीपी क्योर किया हमने, और जब हमने क्योर शब्द बोला तो सबसे पहले डॉक्टर नागेंद्र जी को छोड़कर के बाकी तो योगाचार्यों ने मुझ पर इतना वार और प्रहार किया, कुछ उसमें स्वर्गीय हो चुके हैं। ये बोले बाबा जो बोलता है ब्लड प्रेशर क्योर होता है, ये झूठ है। हमारे राठी जी यहां पर बैठे हैं, ये भी जानते हैं। फिर मैं तो उस योगी के पास भी गया, मैंने कहा महाराज हम तो आपके बच्चे हैं, आप तो भीष्म पिता मैं हो, आप लोग क्यों ऐसा। बोले योगा कोई इंस्टेंट कॉफी है, मैंने कहा योग ही इंस्टेंट लाभ देता है, क्यों नहीं देता भैया। अरे आप अभी कांटा चुभाओ तो दर्द अभी होगा या कल को होता है, बोलो। आप अभी गुड़ खाओ, अभी आप नीम खाओ तो अभी मुंह कड़वा होगा या अगले जन्म में होगा। जब खाने का फल पीने का फल अभी मिलता है, अभी साइनेट खाओ तो अगले जन्म में मरोगे या इसी जन्म में। जब विष का प्रभाव इसी जन्म में और अभी होता है तो योग का प्रभाव भी अभी भी होता है। लोगों ने योग के बारे में बोले योग तो मोक्ष के लिए, अगले जन्म में इसका फल मिलेगा। मैंने कहा धत तेरे की, अगले जन्म में मिलेगा फिर कौन योग करेगा। मैंने कहा डू एंड अचीव नाउ एंड हियर, अभी करो अभी पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने कहा अभी करो, लो कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम, अभी गाओ मेरे साथ दंड बैठक, लगाना तो अभी भी लगा दूंगा 100 200 500, और फिर तुम्हारी अभी भुजाएं बनेंगी। अब करो कि इस जन्म में योग करोगे तो अगले जन्म में भीष्म की तरह भीम की तरह पैदा होगे, तो बोले कोई नहीं करेगा। अरे भाई अभी करो अभी पाओ, लोगों ने इतना बदनाम किया था। मैंने कहा अभी करो अभी पाओ। मैंने डॉक्टर सरले टेलिस बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं, यहां भी उन्होंने बहुत सेवा की, अभी पतंजलि में भी सेवा कर रही है। वो शुरू शुरू में जब मेरे पास आई तो मैंने बोला मैं एक दिन में लोगों का 1 से 2 किलो वजन घटा सकता हूं, तो बोले मैं भरोसा नहीं करती। मैंने कहा बैठ जा तैयारी करता हूं सबसे पहले कम। तो पहले तो हमारे योग वाले साइंटिस्ट भी भरोसा नहीं करते थे। अभी हमने पूरे देश में जैसे डॉक्टर साहब डायबिटीज के लिए कैंपेन चला रहे हैं, हमने मोटापा मुक्त भारत के लिए 60 जगहों पर हमने जो है पूरा का पूरा मोटापा मुक्ति का अभियान चलाया। और आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर नागेंद्र जी 1 साल के अंदर लोगों का 10-15 किलो से लेकर के 30-35 किलो तक वेट कम हो चुका है। अभी आपके बेलगांव में 26 किलो, तो वो पूरे देश में 60 सेंटर बनाए, 4 महीने में 26 किलो। हम मोटापा के लिए आसन 12 आसन डिजाइन किए हमने, 2 रिलैक्सेशन के लिए मरकट आसन और सवासन, तो 12 आसन हमने करवाए। फिर उसमें 6 प्राणायाम और 2 रिलैक्सेशन के लिए 20 प्रकार का पूरा पैकेज दिया। और उससे मैं तो लाइव करता हूँ, लाइव प्रोग्राम आता है मेरा आस्था चैनल के ऊपर। आज तो कई चैनल वाले आए, उस चैनल सहित कई चैनल वाले बैठे हुए हैं, कुछ आगे भी सोच रहे हैं कि बाबा योग के साथ कुछ राजयोग कहाँ, इनको बड़ा मजा आता है। मैं कुछ कुछ बोलता रहता हूँ जो शुभ है देश के लिए, तो ये दूसरे भी चक्कर में आज होंगे तो वो तो नहीं मिलेगा, योग का जरूर मिलेगा। तो मैं ऐसे लोगों को बैठा देता हूँ, 2 घंटे के बाद उनका वेट चेक करता हूं, केवल 2 घंटे बाद, 2 घंटे में आधा से लेकर के 2 किलो वेट कम कर देता हूं लाइव। ये बाबा रामदेव को ऐसे नहीं मानते लोग, बाबा रामदेव को शनि के तो राहु नहीं चढ़ाता उतारता, जब चढ़ता ही नहीं तो उतरेगा कैसे। लोगों ने पाखंड फैला रखा, कहते हम धार्मिक हैं, शनि केतु राहु भूत प्रेत चढ़ाने उतारने वाले और अलग अलग तरह से भारतीय संस्कृति के नाम पर ढोंग आडंबर पाखंड करने वाले ये ऋषियों की संतान नहीं राक्षसों की संतान है। भारतीय संस्कृति को बदनाम करके रख दिया, भूत प्रेत डाकनी शाचिनी पिशाचिनी।
और हवन भी करेंगे तो हमारे पंडित जी तो वेद मंत्र बोल करके हवन करते हैं, ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होता आरम रत्न धातम सनपितेव सोनवे ग्रेसोपायनो भव सचस्वान स्वस्तये। ये तो अच्छे अच्छे से बोलते हैं और वो क्या करते हैं, हिम ह्रीम क्लुम फम फम फट स्वाहा। हिम ह्रीम ह्रीम क्लुम फम चामुंडाई विचई पुचई टुचई स्वाहा। अब पंडित जी कहां मंत्र आता है बताओ, हिम हिम चामुंडाई विचे पुचे टुचे मुंचे स्वाहा। अब ऐसा लोगों को पागल बना के रखे हुए। अरे योग तो विज्ञान है, हम लोगों को कहते हैं इंस्टेंट आप वेट कम करो, ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद फर्स्ट डे, मेरे पास कितने लोग ही भेज दो। मैंने हजारों लोगों का, मैंने डॉक्टरों का ब्लड प्रेशर बिना दवाइयों के क्योर किया है, डॉक्टरों का ब्लड प्रेशर क्योर किया। ऐसे योग बढ़ा है, ऐसे थोड़ी बढ़ेगा। बाबा रामदेव ने कोई पाखंड नहीं किया है, हम तो ताल ठोक करके, वो हिंदी में बोलते हैं ताल ठोक के, एक तो ताल ये ठोकते हैं, तो ये ताल तो एक प्रतीक है, ताल ठोक के मीन्स डंके की चोट पर गारंटेड, उसका साइंटिफिक बेनिफिट है। बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, कपाल भाती उज्जाई कराओ, कपाल भाती उज्जाई सिंहासन, फिर गले का थोड़ा ऐसा करा दो, और किसी से बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है रिल, तो उसको सर्वांगासन हलासन करा दो, नहीं तो उष्ट्रासन करा दो, अर्धचंद्रासन करा दो, मत्स्यासन, कुछ भी चार पांच तरह की क्रियाएं करा दो, थायराइड क्योर हो जाता है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, और मैंने किया, और अभी तो इसको बड़े पैमाने पर हम कर रहे हैं, इसको अभी बड़े पैमाने पर थायराइड क्योर, बीपी क्योर, अस्थमा क्योर, और हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। लौकी का जूस पिलाया, प्राणायाम करवाया, हार्ट की ब्लॉकेज खत्म हो गई, कैंसर तक क्योर किया हमने, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हेपेटाइटिस क्योर किया, सोराइसिस क्योर किया, आर्थराइटिस क्योर किया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसकी इससे योग फैल रहा है। तो योग का तो इतना बड़ा फील्ड है, योग के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ, सोचते हैं हमारा कैरियर क्या होगा, तुम्हारा कैरियर ये है, कुछ लोग तो योग करेंगे उनको रोग होंगे नहीं, कुछ लोग आलसी हैं वो बीमार होकर के फिर योग करेंगे, और रास्ता कहीं है नहीं। यदि आपको बीमारियों को क्योर करना है तो योग ही एकमात्र रास्ता है। तो पूरी दुनिया को हेल्थ चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ योग से मिलेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है पीस के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस। आजकल इनके लिए संगठन बने हुए हैं, हैप्पीनेस चाहिए, हार्मनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पीस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, योग से मिलेगी। योग क्या है, योग इज ओनली वे फॉर वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हार्मनी, और इतना ही नहीं, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड। ये तो योग से आएगा, और कोई तरीका ही नहीं, एकत्वेन पश्यतः, सब में एक ही आत्मा है। तो योग विश्व शांति के लिए, योग विश्व में समृद्धि के लिए, योग। ये जो आजकल ना बिजनेस हाउसेज में बुलाते हैं मोटिवेशनल स्पीच के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एक एक स्पीकर 10-20-20-20 लाख रुपए ले लेता है, और बाबा रामदेव जी से वजह से को बुलाने के लिए तो कम से कम 1 करोड़ रुपए पे करना पड़ता है। डॉक्टर नागेंद्र जी आपसे लेने वाला नहीं है। अब आज पतंजलि कम से कम इस साल का जो हमारा टारगेट है वो है कि कम से कम रोज पतंजलि का 100 करोड़ रुपए का हर दिन का हमारा प्रोडक्शन और उसका सप्लाई का टारगेट है, 100 करोड़ पर डे का। कितना बोला, 100 करोड़ महीने का नहीं, पर डे का। अब आपने हमारा 100 करोड़ का नुकसान करवाया है, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मोटिवेशनल स्पीच, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। ए सुनो, योग में बी एम ए पीएचडी करने वालों और आयुर्वेद वालों और कुछ यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा वाले भी हैं, जिनको नौकरी ना मिले मेरे पास आ जाना 100% गारंटी के साथ।
अपना करना हो तो खुद कर लेना। कुछ को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं क्या करूं, तू बाबा रामदेव के पास आ जा। सुनो, मैं आपको जो बता रहा हूं ये छोटी बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आप मोटिवेशनल स्पीकर बनिए, आपको पूरी दुनिया बुला रही है। आप योगी बनिए, आप उद्योगी बनिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कीजिए। आप योग करके मात्र एक फील्ड में नहीं, आप खाली योग का अपना योग का सेंटर बनाइए, देश में बनाइए, दुनिया में बनाइए। अपना बना सकते हो तो अपना बनाओ, नहीं बना सकते हो तो हम वो भी आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। आगे ये भी करने वाले हैं, देश में भी दुनिया में अवसर देंगे हम आपको। ये कोई बात एक इंस्टीट्यूशन की नहीं है, खाली ये पतंजलि के ऐसा ऐसा की बात नहीं है। देखो योग जो है ना इंस्टीट्यूशन से परे है, योग तो व्यक्तियों से भी परे है, योग तो एक वैश्विक सत्य है। इसलिए याद रखना योग में क्या क्या हो सकता है सबको पता है। किसी को यदि MLA MP CM PM भी बनना है तो योग करो, किसी न किसी दिन बनी जाओगे। लगे रहो, एक दिशा पकड़ लो, उस ट्रैक से हटना नहीं है? ये भगवंत खूबा ये भी डेली योग करता था, ये MP बन गए पहली बार में, कोई चुनाव नहीं लड़ा। इससे पहले कोई ग्राम पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा, सीधा MP बना है। ये योग करता था, इसका फैमिली योग करता था और मुख्यमंत्री को हराया इसने, धर्म सिंह को। धर्म सिंह को हराया। अब बोलो बाबा ये कैसे होता है, अब ये सारी बात आज ही थोड़ी बताने की है। तो सुनो, आपको जो बनना है वो आप योग से बन सकेंगे। इतना बड़ा एरेना है, मैं अंतिम बात अब कह रहा हूं। कुछ लोग ना योग के बारे में ऐसा सोचते रहते हैं, ये तो बाबा रामदेव का योग है, ये तो एस व्यासा का योग है, ये अयंगर का योग है, ये श्री श्री जी का योग है, ये विक्रम का योग है। एक टीवी चैनल पर वो ऐसे ही बहस हो गई, वो विक्रम भी बैठे हुए थे भाई। मैंने कहा भाई साहब ये हमारी किसी की भी दुकानदारी नहीं है, योग योग सब ऋषियों का है, योग एस व्यासा का नहीं है, योग स्वामी रामदेव का नहीं है, योग किसी इंस्टीट्यूशन विशेष का नहीं है। योग तो एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक, एक यूनिवर्सल, एक सेक्युलर और बेनिफिशियल ट्रुथ है। ये वे ऑफ लिविंग है और योग हमारे पूर्वजों से मिला है। अब ये कोई भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, शीर्षासन, उष्ट्रासन, सर्वांगासन, हलासन, ये बाबा रामदेव ने थोड़ी डिजाइन किए, डॉक्टर नागेंद्र ने थोड़ी डिजाइन किए हैं, ये सब हमने ऋषियों से पाया है। इसलिए सारा योग ऋषियों का, सारा श्रेय ऋषियों को और सारा श्रेय मूलतः भगवान को, हम निमित्त मात्र हैं। इसलिए यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐस व्यासा में हो, पतंजलि योगपीठ में हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, कोई ये बोले ना हमारे वाला योग ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब समझ लेना वो कोई पागल आदमी होगा।